पाठ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्पादन के साधनों के बंटवारे की पद्धतियां। उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बंटवारा करके और अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास करने का प्रयत्न प्रत्येक देश करता है। उत्पादन के साधनों के बंटवारे की दो पद्धति है जो हर एक देश अपनाना चाहता है, ताकि इस पद्धति को अपनाकर वो अपने देश में तीव्रता से आर्थिक विकास कर सके। तो पहली पद्धति है बाजार पद्धति और दूसरी पद्धति है समाजवादी पद्धति। ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे की एकदम विरोधी है। तो सर्वप्रथम आज हम यहाँ पर बाजार पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। बाजार पद्धति, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड आदि देशों ने अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया था। बाजार पद्धति का दूसरा नाम पूंजीवादी पद्धति भी है, इस नाम से भी यह पहचाना जाता है। बाजार पद्धति में उत्पादन साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। बाजार पद्धति में उत्पादन और उसके साथ संलग्न अर्थात जुड़ी हुई आर्थिक निर्णयों के केंद्र में मात्र लाभ होता है। तो आपने ये देखा कि बाजार पद्धति विश्व के विकसित देश अमेरिका, जापान, इंग्लैंड जैसे देशों ने अपनाया था और अपने देश का तीव्रता से आर्थिक विकास किया। बाजार पद्धति का दूसरा नाम पूंजीवादी पद्धति है। पूंजीवादी पद्धति इसलिए है, पूंजी मतलब पैसा, इसमें पूंजी को, पैसे को अधिक महत्व दिया जाता है। और अभी अभी मैंने बताया कि इस पद्धति में उत्पादन साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है, अर्थात जिस वस्तु में हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा उसी साधनों का हम उत्पादन करते हैं। इसके अंदर उत्पादन में या कोई भी आर्थिक निर्णय लिया जाता है तो उसके केंद्र में लाभ होता है। बाजार तंत्र में स्पर्धा का तत्व अनोखी भूमिका निभाता है, अर्थात बाजार पद्धति में स्पर्धा कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। स्पर्धा युक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य क्षमता अधिक से अधिक ऊंची ले जानी पड़ती है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ बच्चों, बाजार पद्धति में स्पर्धा का महत्व सबसे अधिक है। जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन, जितना ज्यादा स्पर्धा होगी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होगी, उतना ज्यादा हम अपने कार्य क्षमता में अधिक वृद्धि करेंगे, कार्य क्षमता को सुधारेंगे, वस्तु की गुणवत्ता को सुधारेंगे, ताकि लोग हमारी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा खरीदे और हमें लाभ प्राप्त हो। ये बाजार पद्धति में देखने को मिलता है। इस प्रकार बाजार पद्धति में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का तत्व अदृश्य हाथ की तरह समग्र बाजार पर नियंत्रण रखता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से, मैं फिर से ये वाक्य दोहरा रहा हूँ, इस पद्धति में अर्थात बाजार पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में भी पहचानी जाती है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ या आपको विकल्प में एक एक वाक्य में या दो दो नंबर में आपको पूछा जाएगा। चलिए दो नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाजार पद्धति के लक्षण, कुल 6 लक्षण हैं। अगर आप क्रम से याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको क्रम से नहीं भी याद रहता है तो भी आपको छोड़ना नहीं है बल्कि लिख ही देना है। उत्पादन के साधनों की मालकी मतलब स्वामित्व व्यक्तिगत या निजी होती है, व्यक्तिगत अर्थात खुद की या निजी यानी प्राइवेट होती है। दूसरा, बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ होता है। अभी अभी मैंने बताया कि उत्पादन के साधनों की मालकी व्यक्तिगत या निजी होती है, खुद का स्वयं का होता है अथवा एक या दो व्यक्ति मिलकर उसे शुरुआत करते हैं। और जो बच्चों मालकी खुद की होगी, निजी होगी, वो कभी भी अपने व्यवसाय में नुकसान नहीं चाहेगा। इसीलिए दूसरा लक्षण तैयार होता है, बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ होता है, अर्थात हम उसी आर्थिक प्रवृत्ति को ज्यादा महत्व देते हैं जिसमें लाभ अधिक से अधिक हो। तीसरा, ग्राहकों की पसंदगी करने के लिए विशाल अवसर मिलते हैं। यहाँ ग्राहक अपने मन पसंद वस्तु खरीद सकते हैं और उसके लिए बहुत ही अधिक विकल्प मौजूद होते हैं। चौथा, बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। मैंने ये भी अभी बताया कि इस पद्धति में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए मुक्त अर्थतंत्र के रूप में माना जाता है।
बाजार पद्धति में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात आप कौन सी वस्तु का उत्पादन अधिक से अधिक करते हैं यह हस्तक्षेप इंटरफेयर करने के लिए सरकार आपको बाध नहीं करती। जिस वस्तु के उत्पादन में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है आप उस वस्तु को बेच सकते हैं या उत्पादन कर सकते हैं। पांचवा लक्षण, उत्पादन के साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। छठा, आर्थिक निर्णय मूल्य तंत्र या इसका दूसरा शब्द बोल सकते हो भाव तंत्र के आधार पर लिए जाते हैं, अर्थात जिस वस्तु का भाव सबसे अधिक है, जिस वस्तु का मूल्य अधिक होगा, जिससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा, उसी वस्तु को हम आर्थिक निर्णय में शामिल करते हैं। तो ये दो नंबर का आपका प्रश्न तैयार हुआ, बाजार पद्धति के लक्षण। बाजार पद्धति के लाभ, पहला लाभ है बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है। ये जो पहला लाभ देख रहे हैं विकल्प में भी आएगा कि बाजार पद्धति में व्यक्ति की कौन सी स्वतंत्रता बनी रहती है, आर्थिक स्वतंत्रता। इसी को दूसरे तरफ से भी पूछा जाता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता किस पद्धति में रहती है, बाजार पद्धति। आर्थिक स्वतंत्रता था तो अपने मन चाहे रूप से अपना आर्थिक निर्णय ले सकता है, सरकार का उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरा, उत्पादन साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है, क्योंकि इसकी माल की व्यक्तिगत और निजी है, वो जो भी साधन खरीदेगा, कच्चा माल खरीदेगा, उसका पूरा से पूरा उपयोग करेगा, उसका बिगाड़ करना नहीं चाहेगा। तीसरा, अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अभी आपने पढ़ा उत्पादन साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है, तो स्वाभाविक है उत्पादन भी अधिक से अधिक प्राप्त होगा। चौथा, अर्थतंत्र में सतत लगातार नए संशोधन होते रहते हैं, नई नई खोजें होते रहती है, जिसके कारण आर्थिक विकास को गति मिलती है। ये व्यक्तिगत मालकी है, निजी मालकी का है, इसलिए इसमें जो भी खोज होता है उसे वो तुरंत अपना लेते हैं ताकि वह ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास कर सके। पांचवा, स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है, कंपटीशन, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा अधिक होती है, इसलिए वस्तु की गुणवत्ता पर अधिक महत्व दिया जाता है। जिस व्यक्ति या जिस उत्पादन में वस्तु की गुणवत्ता अधिक होगी उसी साधनों को बाजार में ज्यादा से ज्यादा कीमत दिया जाएगा। बाजार पद्धति की मर्यादाएं अथवा कमियां, बाजार पद्धति में अनेक लाभ होने पर भी वह संपूर्ण नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां या सीमाएं देखने को मिलती है। तो पहली कमी, लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होने से विलासिता की वस्तु का उत्पादन अधिक होता है, जबकि प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तु का उत्पादन घटता है। ये शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं कि बाजार पद्धति में जो भी आर्थिक निर्णय या जो भी आर्थिक प्रवृत्ति की जाती है सिर्फ लाभ को ध्यान में रखा जाता है। इस लाभ को मात्र ध्यान में रखने के कारण हम ज्यादा से ज्यादा विलासिता की वस्तु का उपयोग करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, विलासिता की वस्तु, अर्थात विलासिता मतलब मौज शौक की वस्तु है, जिसे अमीर वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए खरीदते हैं, और वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं, और इसी में हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए हम विलासिता की वस्तुओं का, अमीर वर्ग की वस्तुओं का अधिक से अधिक ध्यान रखते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग की प्राथमिक आवश्यकताओं का हम ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण उसका उत्पादन घटता है। दूसरा, हम देखेंगे राज्य की कोई भी नीति विषय भूमिका न होने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय होता है। बाजार पद्धति में राज्य सरकार का कोई आर्थिक निर्णय नहीं होता, बाजार पद्धति में राज्य सरकार का कोई भी नीति नियम नहीं होता, आर्थिक निर्णय में नहीं भूमिका नहीं होती, इसके लिए ये लोग प्राकृतिक संपत्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। तीसरा, मर्यादाएं, ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उनका शोषण होता है। जो ग्राहक है उसे बाजार की पूरी जानकारी नहीं होती, उसकी अज्ञानता से, उसकी अशिक्षता के कारण उसका बाजार में शोषण भी किया जाता है। जितनी कीमत होती है उससे अधिक कीमत ली जाती है, या सही वस्तु की जगह गलत वस्तु दे दिया जाता है। चौथा मर्यादा है कमियां, संपत्ति और आय का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अर्थ बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग, अमीर वर्ग तक ही संपत्ति और आय सीमित रहती है, उसी को हम केंद्रीकरण कहते हैं। संपत्ति और आय का केंद्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है, अर्थात उच्च वर्ग, अमीर वर्ग को अधिक आय और संपत्ति प्राप्त होती है, जबकि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को कम आय प्राप्त होता है। पांचवा कमी, मर्यादाएं, एकाधिकार, एक ही अधिकार होता है,
एक ही बाजार के माल की होता है, उत्पादन भी वही करता है और विक्रय भी वही करता है। एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का डर या भय रहता है। तो इस तरह से हमने देखा उत्पादन के साधनों के बंटवारे की पद्धतियां, जिसकी दो पद्धतियां थी, बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति। सबसे पहले हमने बाजार पद्धति का परिचय लिया, बाजार पद्धति के लक्षण 2 नंबर में, बाजार पद्धति के लाभ 2 नंबर में, बाजार पद्धति की कमियां 2 नंबर में पूछी जाएगी। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए बाजार पद्धति के लाभ और कमियां बताइए, तो ये आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा।